प्रोसेसेस को समझना है और एडियाबेटिक प्रोसेसेस एडियाबेटिक एक्सपेंशन भी हो सकता है और एडियाबेटिक कंप्रेशन भी हो सकता है, राइट? तो एडियाबेटिक प्रोसेसेस को समझने के लिए हमने एक सिलेंडर दैट इज फिटेड विद पिस्टन इसको ले लिया है और इसमें गैस के कुछ हमने मॉलिक्यूल्स जो है इनिशियली ले लिए हैं। इनिशियल पैरामीटर, शुरुआती पैरामीटर जो इस सिस्टम के हैं वो है P1, V1 एंड T1, राइट? बेटा एडियाबेटिक प्रोसेसेस के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो क्या है कि ये सिलेंडर की जो वॉल्स हैं और ये जो पिस्टन है ये परफेक्ट एडियाबेटिक मटेरियल के बने होने चाहिए। दैट मींस कि ये परफेक्ट हीट इंसुलेटर मटेरियल के बने होने चाहिए जिसकी वजह से ना तो हीट सराउंडिंग से सिस्टम में एंटर कर पाएगी लाइक दिस और ना ही सिस्टम को छोड़कर हीट जो है सराउंडिंग में जा पाएगी। सो नाउ इफ वी हैव द कंडीशंस लाइक दैट, अब हमने जो इनिशियल जो पैरामीटर्स लिए हैं इस गैस के वो P1, V1 और T1 लिए हैं, राइट? अब हम इस गैस का जो वॉल्यूम है, इस गैस को जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसको बहुत तेजी के साथ एक्सपेंड करेंगे लाइक दिस। और जब आप इस गैस को एक्सपेंड करेंगे, व्हेन यू एक्सपेंड द गैस, तो गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। और बेटा जब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर जो है वो डाउन आएगा। अब इस टेम्परेचर को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि ये जो वॉल्स हैं सब परफेक्ट हीट इंसुलेटर की बनी है तो बाहर से कोई भी हीट अंदर आने वाली नहीं है, तो अगर ऐसा है तो टेम्परेचर चेंज होगा, राइट? सो द न्यू पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम इज P2, V2 एंड T2, न्यू पैरामीटर ऑफ द सिस्टम, राइट? तो एडियाबेटिक प्रोसेसेस की जो पहचान है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, एडियाबेटिक प्रोसेस की जो कंडीशन है, जो एडियाबेटिक प्रोसीजर, जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, उनको आप किस तरह से पहचान सकते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेसेस में हीट ट्रांसफर अलाउड नहीं है। There will be no free transfer of heat either from the system to the surrounding or surrounding the system, right? दो condition adiabatic process के होने के लिए, पहली the walls and piston must be made of by perfect adiabatic material. ये तो पहली कंडीशन हुई और इस कंडीशन की वजह से ये तो फ्री फ्लो है हीट ट्रांसफर का जो फ्लो है वो रुकता है। दैट मींस ना तो सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जाएगी और ना ही सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जाएगी। सेकंड कंडीशन इज दैट कि ये जो प्रोसेसेस हैं इनका जो पेस है, इनकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होगी। स्पीड ऑफ प्रोसेसेस must be very fast
स्पीड ऑफ प्रोसेसेस मस्ट बी मेल पास्ट। और अगर ऐसा है तो बेटा हीट को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा सिस्टम से सराउंडिंग में जाने का या सराउंडिंग से सिस्टम में आने का। बेटा परफेक्ट एडियाबेटिक मटेरियल डजंट एग्जिस्ट। हम अच्छे से अच्छा एडियाबेटिक मटेरियल भी अगर ले लें तो वो भी अपने अक्रॉस कुछ ना कुछ हल्की फुल्की जो हीट है वो क्रॉस होने देता है, राइट? तो टू बी सेफ साइड, हम अगर इन प्रोसेसेस को हाई स्पीड पर करेंगे, फास्ट पेस पर करेंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा हीट है उसको एक साइड से दूसरे साइड तक जाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सो दीज आर द एडियाबेटिक प्रोसेस एंड दिस इज हाउ वी कैन identify the adiabatic processes, right? Now let us see some examples of adiabatic process. तो बेटा जो adiabatic process हैं बहुत तेजी के साथ ये perform होते हैं, इनका pace जो है, इनकी जो speed है वो बहुत ज्यादा होती है। तो one example that I'm giving you is just like के जो मोटरसाइकिल है या बाइक है या साइकिल है उसका जो उसका जो टायर है उसका बस्ट हो जाना। तो जैसे ही वो टायर बस्ट होगा तो उसके अंदर जो एयर है वो बहुत तेज के साथ बाहर निकलेगी और एक्सपेंड होगी, राइट? और उस एयर का टेम्परेचर जो है थोड़ा डाउन हो जाएगा जब वो इतनी तेजी के साथ एक्सपेंड होगी। सो this is an example of adiabatic process. The next example, and that is very very important, aur isko hum dobara bhi ek baar discuss karenge jab hum waves ko discuss karenge, aur wo kya hai ki jab bhi aapki sound waves kisi medium mein chalti hain, jab bhi aapki sound wave प्रोपगेट करती है लाइक इन एयर और गैसेस, तो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन जो है वो फॉर्म होते हैं। दैट मींस जो मीडियम है वो लगातार कंप्रेस और एक्सपेंड होता है ड्यू टू दीज साउंड वेव्स। तो ये जो चेंजेस हैं मीडियम में, ये जो चेंजेस आ रहे हैं मीडियम में कंप्रेशन और एक्सपेंशन वाले, ये प्रोसेसेस जो होते हैं ये एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं, राइट? सो व्हेनेवर अ साउंड वेव traveling in air or other gases, then compression and rarefaction formed are adiabatic processes. So this is a very interesting example of the adiabatic process. Now we will see the equation of adiabatic process. Equation of adiabatic process. Equation of adiabatic process. बेटा adiabatic process की equation होती है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बेटा हमारे इस सिलेबस में
derivation of this equation is not included, right? आपको ये equation जो है learn करनी है. यहाँ पर जो gamma है, it is basically what? Cp by Cv. ये ratio है Cp और Cv की किसी एक particular gas के लिए. Cp is molar specific heat capacity at constant pressure and Cv is molar specific heat capacity at constant volume. Right? Now, इस equations की दो forms हमारे पास और हैं. So, this is the form number one. और जब हम equation में, जब हम numerical में इस equation का use करेंगे, it could be like P1, V1 की power gamma is equal to P2, V2 की power gamma, like this, we can use when we deal with the numerical problems, right? Okay. तो इसकी दूसरे forms को देखने के लिए, let us consider, we know that ideal gas equation is PV is equal to mu RT and ये जो है PV is equal to RT में modify हो जाएगी if mu जो है हम 1 ले लें, right? Now, first let us say that P is equal to RT by V, right? और यहीं से हम V भी निकाल सकते हैं, that is RT by P, right? तो इन दोनों को one by one इस equation में हम substitute करेंगे and let us see what kind of equation I will have, okay? So now let us say this is equation number 2 and this is equation number 3. Now substitute these value in equation number 1 by 1. So सबसे पहले P की जगह बेटा हम RT by V रखेंगे. Then what I have RT by V into V की power gamma is equal to constant, right? And this turn out to be RT into V ki power gamma minus 1 is equal to constant, right? और यहां से हमें क्या मिलेगा? T V ki power gamma minus 1 is equal to constant. क्योंकि ये R तो constant है और अगर इसको cross multiplication में मैं इधर नीचे ले जाऊं denominator में, तो पूरा का पूरा जो right hand term है वो constant हो जाएगा. So, this is the form number 2 of adiabatic process equation, right? और यहां से numerical में हम इसको किस तरह से use कर सकते हैं? T1 V1 की power gamma minus 1 is equal to T2 V2 की power gamma minus 1, right? Now, let us see the third form of this equation, okay? And for that, what I am going to do, ये जो आपकी equation number 3 है, इसको हम substitute करेंगे equation number 1 में. Okay बेटा, अब हम equation number 3 को substitute करेंगे equation number 1 में, और V की जगह हम रखेंगे RT by P. So, P into RT by P की power gamma is equal to constant, right? So what I have, P की power 1 minus gamma into R की power gamma, T की power gamma is equal to constant. So P की power 1 minus gamma into T की power gamma is equal to constant. बेटा ये हमारी third form है equation of adiabatic process, right? So these are the three forms that we have discussed regarding the equation of adiabatic process.
Now we will discuss the work done by the gas in adiabatic processes. So the next topic is work done in adiabatic processes. Work done in adiabatic processes. Right? So, जिस तरह से हमने adiabatic, जिस तरह से हमने isothermal processes में work done निकाला था, same हमारी जो strategy है वो work done निकालने की वही रहेगी. Now, let us say कि I have this cylinder with me. The cylinder with me that is fitted with an frictionless piston, or is piston is cylinder ke andar kuch gas ke humne molecule le liye hain. Let us say ke one mole of ideal gas iske andar humne le liya hai, aur jo initial parameters hain is गैस के वो हैं P1, V1 एंड T1. अब बेटा इस गैस को मैंने एडियाबेटिकली क्या किया है, एक्सपेंड. इस गैस को एडियाबेटिकली हमने एक्सपेंड कर दिया है, तो जो फाइनल आपके पैरामीटर हो गए हैं वो P2, V2 और T2 हो गए, राइट. सो नाउ just try to find out के जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इसने इस पिस्टन के ऊपर कितना फोर्स लगाया. लेट अस से द एरिया ऑफ दिस पिस्टन इज ए. सो द फोर्स अप्लाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इन द एक्सपेंशन विल बी एफ इज इक्वल टू पी ए, राइट. अब लेट अस से कि ये जो पिस्टन है ये इंक्रीमेंटल एक डिस्टेंस, एक छोटा सा डिस्टेंस dx इसने ऊपर की तरफ जो है कवर किया है. सो द वर्क डन बाय द गैस विल बी इंक्रीमेंटल, और इसको हमने dw ले लिया है. और बेटा वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. सो द dw विल बी फोर्स इनटू dx, और फोर्स की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे PADX, राइट. और ये ए डी एक्स कंप्लीट टर्म जो है हमारा है वॉल्यूम. सो पी डी वी, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ हमें तो कंप्लीट वर्क डन निकालना है इन एडियाबेटिक प्रोसेस, तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद इन द प्रॉपर लिमिट्स, राइट. So let us say dw is equal to pdv, and this is 0 to w, and this is v1 to v2, right. Now we are going to substitute the value of p. okay, ab adiabatic process ki jo equation hai that is p v ki power gamma is equal to constant. beta constant ki jagah humne k le liya hai, right. So P is equal to K upon V की पावर गामा. ओके, तो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें देन व्हाट आई हैव दैट इज V1 V2 एंड K और V की पावर गामा एंड dV. तो इस इक्वेशन को अब हमें इंटीग्रेट करना है. Let's see how can we do that. So I have W is equal to K. beta K aapka constant hai, to humne integration sign se bahar le liya isko. V1 V2 and 1 upon V ki power gamma dV, right. Ab beta yahan par jo integration ka jo formula hume use karna hai, that will be x ki power n dx will be x ki power n plus 1 upon n plus 1, right. Or
इस पूरी टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, v की पावर माइनस गामा dv, ओके। और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो व्हाट आई हैव बेटा, n की जगह यहां पर क्या है, माइनस गामा, ओके। सो आई विल हैव v की पावर n प्लस वन, दैट मीन्स माइनस गामा प्लस वन एंड अपॉन माइनस गामा प्लस वन। सो इट कुड बी राइट डाउन लाइक दिस, वन माइनस गामा डिवाइड बाय वन माइनस गामा। चलिए बेटा, अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर। सो व्हाट आई हैव इज इक्वल टू के एंड वी की पावर वन माइनस गामा डिवाइड बाय वन माइनस गामा एंड लिमिट्स वी वन टू वी टू, राइट। के वन माइनस गामा बेटा कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। एंड हियर आई हैव वी टू की पावर वन माइनस गामा माइनस वी वन की पावर वन माइनस गामा, ओके। नाउ बेटा, इस इक्वेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए वी हैव टू डू वन मोर एडजस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। बेटा के जो है उसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, लाइक पी वन वी वन की पावर गामा इज इक्वल टू के एंड पी टू वी टू की पावर गामा इज आल्सो के इज द कांस्टेंट, ओके। सो अब के को मुझे अंदर मल्टीप्लाई करना है लाइक दिस, और एक बार के की वैल्यू मैं पी टू वी टू की पावर गामा सब्स्टिट्यूट करूंगा, और एक बार के की वैल्यू मैं पी वन वी वन की पावर गामा सब्स्टिट्यूट करूंगा, राइट। सो आई हैव वन माइनस गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू की पावर गामा एंड वी टू की पावर वन माइनस गामा एंड माइनस पी वन वी वन की पावर गामा एंड वी वन की पावर वन माइनस गामा लाइक दिस, ओके। सो व्हाट आई हैव हियर इज पी टू, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो बेटा ये जो पावर्स हैं ये सम होंगी। सो आई विल हैव पी टू वी टू एंड माइनस पी वन वी वन। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन एंड डिवाइडेड बाई वन माइनस गामा। बेटा एक ये हमें फॉर्म मिल गई है इक्वेशन की, और ये डेफिनेटली आप लोग यूज करने वाले हैं इन योर न्यूमेरिकल्स, राइट। सो दिस इज द वन फॉर्म ऑफ वर्क डन, एंड वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई दिस लाइक वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई दिस लाइक जस्ट आई एम डूइंग लेट अस से PV is equal to mu RT and PV is equal to RT if mu is equal to 1, right? So P2 V2 will be RT2 and P1 V1 will be RT1, right? तो इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन दिस इक्वेशन। सो व्हाट आई हैव डब्ल्यू इज इक्वल टू आर टी टू माइनस आर टी वन डिवाइड बाई वन माइनस गामा। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू आर टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई वन माइनस गामा। सो एक फॉर्म हमारे पास इस इक्वेशन की या इस फॉर्मूले की ये भी है, राइट। सो बाय द आइदर फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट
the work done in adiabatic process. Okay. Now, the last but not least discussion regarding the adiabatic processes is the slope of adiabatic process. और स्लोप को समझने के लिए इंडिकेटर डायग्राम और बेटा इंडिकेटर डायग्राम जो है इट विल बी द सेम अगेन एज वी हैव डिस्कस इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. चलिए देख लेते हैं दोबारा एडियाबेटिक प्रोसेसेस के केस में जो इंडिकेटर डायग्राम है वो किस तरह से आपको दिखाई देंगे. सो दिस इज अवर एक्सेस एंड लेट अस से दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम. और जो सिस्टम है वो अभी स्टेट ए में है और इसके जो पैरामीटर्स हैं दीज आर P1, V1 एंड T1. और इसको मैं गैस को एक्सपेंड कर रहा हूं लेकिन राइट नाउ आई एम डूइंग इट एडियाबेटिकली. सो ये गैस जो है एक्सपेंड होकर इस स्टेट में आ गई है बी में और यहां पर इसके पैरामीटर जो है वो हो गए हैं P2, V2 एंड T2. टेम्परेचर जो है हमारा चेंज होगा. सो ये जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है ए बी इट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस. अब इस प्रोसेस का अगर हमें स्लोप निकालना है तो उसके लिए ये जो टेंजेंट है ठीक है हमें ये खींचनी पड़ेगी. और स्लोप निकालने का मैथमेटिकली सीधा सा मतलब है कि हमें डीपी बाई डीवी जो है वो कैलकुलेट करना है. तो देखते हैं इसको हम कैसे निकालते हैं. बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आई नो द इक्वेशन इज पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट राइट. तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वी. सो पी डी ओवर डी वी ऑफ वी की पावर गामा एंड प्लस वी की पावर गामा डी ओवर डी वी ऑफ पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे जीरो राइट. सो पी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे व्हाट आई हैव डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन. सो व्हाट आई हैव गामा वी की पावर गामा माइनस वन एंड वी की पावर गामा एंड डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू जीरो. सो टेक एन एलसीएम देन पी वी की पावर गामा माइनस वन डी वी प्लस वी की पावर गामा डी पी इज इक्वल टू जीरो. ओके सो वी की पावर गामा डी पी इज इक्वल टू माइनस गामा पी वी की पावर गामा माइनस वन एंड डी. बेटा मेरा जो एम है वो डी पी बाई डी वी कैलकुलेट करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस गामा पी एंड वी की पावर गामा माइनस वन एंड वी की पावर गामा. ओके नाउ ये वाली जो टर्म है इसको मैं डिनोमिनेटर में अगर ले जाऊं सो व्हाट आई हैव माइनस गामा पी एंड डिवाइड बाय वी की पावर गामा इनटू जब ये नीचे आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा दैट मीन्स वी की पावर माइनस गामा प्लस वन. अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये सब जुड़ेगा. सो व्हाट आई हैव बेसिकली माइनस गामा पी बाय वी. सो डी पी बाई डी वी दैट इज द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस गामा पी बाई वी माइनस गामा पी बाई वी. सो दिस इज द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस.